और बहनों, चुनाव चाहे 2019 का हो या 14 का, आपने मोदी जी को भरपूर प्यार दिया है, मगर अब समय आ गया है कि तेलंगाना को डबल इंजन सरकार चाहिए। डबल इंजन का मतलब समझते हो ना? समझते हो या नहीं समझते हो? डबल अभी सिर्फ ऊपर मोदी जी है, डबल इंजन का मतलब है नीचे भी मोदी ऊपर भी मोदी। डबल इंजन सरकार लाना चाहते ना? अभी अभी मोदी जी यहां आए थे, 23 अक्टूबर को अभी अभी मोदी जी आए थे, अक्टूबर महीने में ही 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। एक चमक का सड़क का सेंट्रल आदिवासी यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। हमारा एक क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है, सालों से 2014 से मोदी जी यहां सेंट्रल आदिवासी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, एक केसीआर सरकार जगह नहीं देती थी। अब इस सेंट्रल आदिवासी यूनिवर्सिटी 950 करोड़ के खर्चे से नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं, जो हमारे ट्राइबल बच्चों को ट्राइबल संस्कृति और संस्कार के साथ उच्च शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। हमारे तेलंगाना में हल्दी का क्रॉप ज्यादा होता है, हल्दी के क्रॉप के लिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो हल्दी के क्रॉप की वैल्यू चेन और एक्सपोर्ट भी बढ़ाएगी, हल्दी के क्रॉप के लिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड भी बनाने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है। और तीसरा, सालों से केसीआर कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 का गठन के लिए कोई कदम नहीं उठाते थे, मोदी जी ने कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 के गठन के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव कर तेलंगाना के पानी की चिंता करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और यहां पर इतने सारे लोग हैं, माताएं बहनें भी हैं। अभी अभी मोदी जी ने विधानसभा और लोकसभा में 33% महिला आरक्षण कर हर माता बहनों का सम्मान करने का काम किया है। भाइयों और बहनों, ये केसीआर की जो सरकार है 10 साल तक चल ली, 10 साल तक केसीआर ने तेलंगाना के गरीब का काम नहीं किया। किया है क्या? जोर से बोलो, किया है क्या? किसान का काम नहीं किया। किया है क्या? दलित का भी नहीं किया और आदिवासी का भी नहीं किया। मुझे बताओ ट्राइबल भाइयों बहनों, केसीआर सरकार ने आदिवासियों के लिए कुछ भी किया है क्या? उन्होंने एक ही काम किया, 10 साल में केटीआर को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए इसकी चिंता का काम किया है। ये जो मुख्यमंत्री है, उनका एक ही लक्ष्य है, अपने बेटे केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना। और हमारा लक्ष्य है आदिलाबाद के हर ट्राइबल जवान को नौकरी, शिक्षा और किसान के खेत में पानी पहुंचाना। माताओं, भाइयों, बहनों, हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर गरीब को घर देने का काम किसी ने किया
तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर महिला को गैस का सिलेंडर देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, हर किसान के बैंक अकाउंट में हर साल 6000 रुपया देने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल के अंदर हर गरीब, हर पिछड़े, दलित और आदिवासी इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और केसीआर ने केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाई और बहनों, आपके पास दो विकल्प है। एक बार अपने बेटे बेटी की चिंता करने वाले केसीआर की सरकार, और दूसरी ओर गरीब, पिछड़े, दलित और आदिवासी की चिंता करने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार। मुझे बताओ, आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहते हो या नहीं चाहते हो? कमल फूल की सरकार चाहते हो या नहीं चाहते हो? मित्रों, देश आजाद हुआ 75 साल हो गए, मगर कभी भी कोई आदिवासी का बेटा या बेटी इस देश का राष्ट्रपति नहीं बना। नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के गरीब घर में जन्मी हुई आदिवासी बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर देश के सभी आदिवासियों का सम्मान किया है। ट्राइबल कल्याण के लिए ढेर सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कांग्रेस वाले भी चुनाव आता है तब नए कपड़े पहनकर आ जाते हैं। अभी अभी राहुल बाबा यहां घूमना शुरू कर रहे हैं। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 2013-14 में आदिवासियों के कल्याण के लिए बजट कितना था आपको मालूम है? मैं बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। 2013-14 में आदिवासियों के कल्याण के लिए सिर्फ 24,000 करोड़ का बजट था। कितना था भाई, बोलो जोर से। और मोदी जी ने 2023-24 आते आते आदिवासी कल्याण के लिए 24,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपया करने का काम किया। कांग्रेस ने आज तक केवल और केवल गरीबी की बात करी, गरीबों की बात करी, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। 12,00,000 करोड़ का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार ये इंडी गठबंधन वाली कांग्रेस पार्टी ने किया है। नरेंद्र मोदी के 9 साल के शासन में कोई हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। मित्रों, नहीं लगा सकता। नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजातीय दिवस, जनजातीय गौरव दिवस मनाने का काम किया, और देश भर के ट्राइबल भाइयों बहनों को, आदिवासी भाइयों बहनों को भगवान बिरसा मुंडा के साथ जोड़कर गौरव प्रदान करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। 200 करोड़ रुपया खर्च कर देश में 10 जगह पर आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों का संग्रहालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, जनजाति क्षेत्रों में जल से नल के माध्यम से
करोड़ 10 लाख आदिवासी घरों में पीने का पानी और 50 लाख लोगों को घर देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये केसीआर ने जितने वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। यहां अस्पताल बनाना था, अभी आधा अधूरा पड़ा है। आदिवासियों के लिए ढेर सारे वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। आदिलाबाद में हवाई पट्टी बनानी थी, नहीं बना पाए। और दो बेडरूम वाले घर आदिवासी भाइयों को देना था, दिया है क्या आपको? दो बेडरूम वाला घर दिया है क्या? ये केसीआर कभी भी गरीबों का काम नहीं करते हैं, केवल और केवल अपने बेटे बेटियों का काम करने का काम एक केसीआर सरकार ने किया है। माताओं भाइयों बहनों, मुझे बताओ ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये इंडी गठबंधन वाले, कांग्रेस पार्टी वाले, ये केसीआर, ये सारे लोग धारा 370 को बचाकर बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी। मुझे बताओ युवाओं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी आजाद हुए तब से राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह इसकी नींव डाल दी और 2024 जनवरी में भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार। माताओं भाइयों बहनों, मुझे बताओ देश की सीमाओं की सुरक्षा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलिए, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कांग्रेस की सरकार थी, हर रोज पाकिस्तान से घुसे हुए आतंकवादी हमला कर भाग जाते थे, कुछ नहीं होता था। नरेंद्र मोदी सरकार आई, इन्होंने उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम। एक कांग्रेस पार्टी, एक केसीआर देश की रक्षा नहीं कर सकते। तेलंगाना को आज के जमाने के रजाकारों से बचा नहीं सकते। तेलंगाना को आज के जमानों के रजाकार से अगर कोई बचा सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है। मित्रों, एक केसीआर तेलंगाना में हमेशा एक खोखला प्रचार करते हैं। मैंने केसीआर को सुना है कि मैंने तेलंगाना को नंबर 1 बना दिया। हा भैया, सच बात है केसीआर बाबू, आपने तेलंगाना को नंबर 1 बना दिया। मगर किस चीज में? रोजगारी में? ना जी। घर में पानी पहुंचाने में? ना जी। नौकरियां देने में? ना जी। किसानों की आत्महत्या के बारे में तेलंगाना आज देश में नंबर 1 बन चुका है। मित्रों, नंबर 1 बन चुका है। बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में तेलंगाना नंबर 1 बन गया है।
और महाघोटाले करने के बारे में भी, भ्रष्टाचार करने के बारे में भी तेलंगाना नंबर वन बन गया है। और मित्रों, केसीआर की चुनाव चिन्ह क्या है भाई, बताओ तो क्या है उनका चुनाव चिन्ह? जो है ना वो गाड़ी है, एम्बेसडर गाड़ी है। मगर एम्बेसडर गाड़ी कौन चलाता है? कौन चलाता है? जोर से बोलो, कौन चलाता है? उनकी गाड़ी का स्टीयरिंग ओवैसी के पास है, उनके पास नहीं है। आप ऐसा चाहते हो कि मजलिस के इशारे पर तेलंगाना चले? जरा जोर से बोलो, चाहते हो क्या? ये मजलिस के इशारे पर चलने वाली सरकार है। आदिलाबाद वालों, इस चुनाव में मजलिस के इशारे पर चलने वाली इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार लाइए। कमल फूल की सरकार हमारे तेलंगाना को समृद्ध कर देगी और भ्रष्टाचार से मुक्त कर देगी। मित्रों, कोई भी योजना हो, भ्रष्टाचार के बगैर यहां समाप्ति नहीं होती है। चाहे दलित हो, किसान हो, युवा हो, आदिवासी हो, सबको जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। दलित भाइयों को वादा किया था 3 एकड़ भूमि देंगे। मैं केसीआर बाबू को पूछना चाहता हूं, चंद्रशेखर राव जी, 3 एकड़ भूमि कहां गई? दलित बंधु, हर परिवार को 10 लाख रुपया देना था, गिने चुने अपनी कैडर के लोगों को देकर बाकी के दलितों को नहीं दिया। मित्रों, जो सरकार अपने बेटों के कल्याण में पड़ी हो, वो सरकार तेलंगाना का कल्याण नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी सरकार ने तेलंगाना में 40 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दी, 54 लाख लोगों को घर में पीने का पानी पहुंचाया है, 33 लाख माताओं को घर में शौचालय बनाकर दिया है, 1 करोड़ 90 लाख लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं, 11 लाख से ज्यादा बहनों को उज्ज्वला योजना के सिलेंडर दिए हैं, 2.5 लाख लोगों को घर देने का काम किया है। और मैं आपको पूछने आया हूं, सभी को कोरोना का दोनों टीका लगा था या नहीं लगा था? जिसको लगा हो जरा हाथ ऊपर करो तो। सबको लगा है ना? किसी को भी 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को कोरोना का टीका लगाकर पूरे तेलंगाना को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने, माताओं भाइयों बहनों, अभी G20 हुआ, G20 में दुनिया भर के नेताओं ने भारत के नेतृत्व की, मोदी जी की प्रशंसा की है। और जब हमारा चंद्रयान जब चांद पर पहुंच गया, देश भर के लोगों के मन में भारत के विजय का भाव खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस सरकार का स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में, ओवैसी के हाथ में है। एक ऐसी सरकार बनाइए
जो तेलंगाना की जनता की सरकार हो, एक ऐसी सरकार बनाइए जो अपने बेटों के लिए काम न करे, बेटी के लिए काम न करे, आदिलाबाद के आदिवासी भाइयों बहनों के लिए काम करे। और ऐसी सरकार केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दे सकते हैं। मित्रों, आप मुझे बताओ, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे क्या? दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलिए, बनाएंगे क्या? कमल के निशान पर मोहर लगाएंगे क्या? एक केसीआर की सरकार को उखाड़कर फेंक देंगे क्या? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेलंगाना में सरकार बनाएंगे क्या? 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।